नादिया काफ़ी ज़्यादा परेशान रहने लग जाती है। और आप देखेंगे कि उसकी माँ जो है इसको कहती है कि बेटा अब तो उसका काम भी अच्छा भला चल रहा है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम्हें किस चीज़ की टेंशन खाई जा रही है। इस पर आप देखेंगे कि नादिया कहती है कि मेरे दिल में एक अजीब सा वहम है, पता नहीं ये वहम कब निकलेगा, क्योंकि मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर मेरे दिल के अंदर इतनी परेशानी क्यों है। जिसको सुनकर उसकी माँ कहती है कि तुम खामखा का वहम पाल रही हो, इसके अलावा और ऐसी कोई बात नहीं है जो तुम्हें परेशान करे। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहती है कि नहीं, कुछ ना कुछ तो ऐसा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है जो होने वाला है, मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर क्या होने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है कि खावर कोई चीज़ मुझसे छुपा रहा है, और वो बात बहुत बड़ी है लेकिन वो मुझे बताने की जहमत नहीं कर रहा है और मुझसे छुपाना चाह रहा है कि आखिर उसके दिल में क्या चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है। आगे से उसकी माँ कहती है कि बिला वजह का गुमान मत पैदा करो, और खावर के बारे में क्यों इस तरह की बातें सोच रही हो, तुम क्यों अपना दिमाग ख़राब कर रही हो, तुम्हें इस तरह की बातें नहीं सोचनी चाहिए। यह सुनकर नादिया कहती है कि बस दुआ करें कि ये मेरा वहम ही हो, ऐसा ना हो और हकीकत बिल्कुल ना।